एक सवाल यहाँ पे बिहार के संदर्भ में लेना चाहूंगा। हमने देखा 2015 में नीतीश जी ने 7 सूत्री एक विकास की बयान लेके चली। एक आखिरी सवाल उन्होंने कहा कि आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली लगातार, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। ऑलमोस्ट 38 ईयर्स का आपका भी एक्सपीरियंस हो गया ऐसा राजनीतिक में, उस समय की चैलेंज और आज की क्या चैलेंज, यही सब इर्द गिर्द घूमती रहेगी या फिर बदलनी चाहिए स्थिति? नारा देने में नीतीश कुमार बहुत प्रवीण है, प्रबुद्ध है। नारा दे करके जनता को कैसे भ्रमित किया जाता है, वोट लिया जाता है, इस कला को ज्यादा जानते हैं। ये जितनी बातें कहे जिससे कोई नकार सकता है क्या, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है चल करके गाँव में देखिए। आज यहाँ अमीर के बच्चे, हमारे बच्चे आज कॉर्वेल में, माउंट बियर में क्या क्या स्कूल है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, जहाँ हम 5 लाख से लेकर 20 लाख रुपया खर्च करते हैं। और वहाँ गाँव में चल के जरा देखिए तो 90% चाहे जिस जात का बच्चे हो उसको पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं है, बैठने के लिए बेंच नहीं है, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए उसी के लिए, तो फिर कौन सी की बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से नल की बात है, नल में पहले चापाकल वगैरह देते थे तो बन जाता था 2-4 पैसा में या 1500 में बना देता था। आज जहाँ ये नल की बात है, एक आध गाँव में हमने देखा है, जिस दिन गए चालू हुआ उसके बाद आए तो वहाँ बंद है, तो बंद है, वो नहीं चल रहा है, वहाँ वही परंपरागत जो पुराना अपना ये था उस तरह। उसी प्रकार से बिजली का भी मामला है, बिजली के उन्होंने फ्रेंचाइजी में दे दिया है, बेच दिया है, इनको रेवेन्यू से मतलब है, इनको तो रेवेन्यू जितना डिमांड था वो आ रहा है, लेकिन वहाँ क्या होता है 1000 बिजली का बिल होना चाहिए, दूसरे महीना में 3000 का होगा, चौथा महीना में 10000 का होगा, लाख तक बिजली का बिल जा रहा है। उसी तरह से सब समझे बिहार के जो कंज्यूमर किसान है वो सब बाहर त्राह त्राह कर रहा है, कहाँ से देगा, अंत में रिवोल्ट लोग करेगा हिसाब ही नहीं, लेकिन ये तो बेच दिए। अगर प्रशासक रहते तो आप नो लॉस नो गेन की बात है, हम जब मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर, हमने एक कंसेप्ट दिया था कि 5 एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को बिजली हम माफ कर देंगे, कम से कम वो भी कर देते तो आज जो किसान बेचारा मर रहा है, वहाँ के छोटे छोटे लोग तबाह हो रहे हैं, ये तो नहीं होता। तो फिर कैसा ये नारा साफ का है भाई, तो आप देने को दे सकते हैं, बाहर के लोगों को समझा सकते हैं, वो क्या करते हैं उसको प्रेजेंटेशन दे करके लोग कहें अब आ नीतीश कुमार तो क्या है, लेकिन ऊपर से ठाट हुआ कि नीचे है मकामा का। दरअसल की बात है 2019 की इस पूरी रणनीति के पीछे जो भी हमने खास मुलाकात किया, कोशिश करेंगे सर एक बार फिर नेक्स्ट टाइम जुड़े, आज समय बहुत कम है, इस वजह से आज बहुत कम बातचीत हुई है, लेकिन अगले खास मुलाकात में तमाम पहलुओं की चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए।